सबसे पहले कबीर पार्क संस्थान इलाहाबाद की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कबीर पार्क संस्थान इलाहाबाद में सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव जी ने मुख्य दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद गुरुदेव जी ने कहा कि शहीदों के नाम पर सभी लोग एक एक दीप जलाते जाएं, और सभी संतों ने क्रमबद्ध एक एक दीप जलाते गए। बाहर से आए हुए लोगों ने भी भाग लिया और सभी ने दीप जलाया। उसके बाद जलाते जलाते लगभग परम पूज्य गुरुदेव जी के आंगन में शहीदों के नाम से दीप जलाते जा रहे थे और सभी दीप प्रज्वलित करते जा रहे थे। दीपावली के शुभ अवसर पर सभी ने यह हिस्सा प्रदान किया और शुभ अक्षरों से दी लिखा हुआ दीप प्रज्वलित दिखाई दे रहा है। गुरुदेव जी के आंगन में शहीदों के नाम से दीप प्रज्वलित हुआ और आंगन जगमगाता रहा। फिर यादगिरी के रूप में गुरुदेव जी के सामने, गुरुदेव जी के करीब जाकर के सभी लोगों ने फोटो खिंचाया। सभी अपने अपने यादगिरी के रूप में गुरुदेव जी के करीब जा जाकर बैठते गए और फोटो खिंचाते रहे। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित सर्वप्रथम कबीर पार्क संस्थान इलाहाबाद में गुरुदेव जी ने किया। आप देख रहे होंगे कबीर पार्क संस्थान इलाहाबाद बेनगढ़ से मैं प्रवेश कर रहा हूं तो सभी तरफ प्रकाश दीप प्रकाश किरणें दिखाई दे रही है। सर्वप्रथम जैसे ही कबीर पार्क संस्थान में प्रवेश करते हैं तो बीजक मंदिर ध्यान कक्ष बना हुआ है, वहाँ चारों तरफ सीढ़ियों में दीप लगा हुआ है और सभी दीप जल रहे हैं। मस्त किरण की प्रकाश आ रही है, दीप की प्रकाशी, और आंगन जगमगा रहा है। सभी तरफ दीप जलाते गए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कबीर पार्क संस्थान इलाहाबाद के ध्यान कक्ष बीजक मंदिर, उसके बाद में प्रवेश करते हैं तो राइट साइड में आपको परम पूज्य सतगुरु अभिलाष साहिब देव की अभिलाष देव की समाधि स्थल, जहाँ सीढ़ियों में दीप मस्त जगमगा रहा है, ये वही स्थल है जहाँ गुरुदेव जी को समाधि दिया गया था। समाधि की सीढ़ियों में दीप जला हुआ है और समाधि में भी लोग आकर के अपनी यादगिरी के रूप में फोटो खिंचा रहे हैं। गुरुदेव जी का प्रतीक चिन्ह है ये कबीर पार्क संस्थान ही पूरा, जो कि हमेशा जगमगा रहा है। लोग याद करते हैं उन्होंने बहुत कुछ दुनिया को दे करके, दुनिया के लिए छोड़ करके चले गए, और उनकी यादें आज सबके दिल दिमाग में बैठी हुई है। दीप प्रज्वलित, दी अक्षर से रंगोली, मस्त सुनहरा अवसर। कई बार संस्थान में संतों ने दीप जलाई, साथ साथ आए हुए बाहर से भक्तों ने भी यह
कार्यक्रम में अपना हिस्सा लिया। इस प्रकार समाधि स्थल में दीप चारों तरफ जगमगा रहा है और समाधि स्थल ही नहीं कबीर पार्क संस्थान के हर कोने कोने में दीप जलाई गई और समाधि स्थल आप देख रहे हैं। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव जी ने प्रसाद वितरण के पूर्व विचार प्रस्तुत किए थे। आप देख रहे हैं गुरुदेव जी सभी को प्रसाद दे रहे हैं और सभी आकर के गुरुदेव जी से प्रसाद ले रहे हैं। यह अवसर साल में एक ही बार होता है। गुरुदेव जी ने प्रसाद वितरण के पूर्व यह कहा था विचारों के दौरान कि असली दीप है ज्ञान का दीप। हम दीप जलाते हैं, एक घंटा दो घंटा में दीप जल करके बुझ जाती है, लेकिन हम एक ऐसा दीप जलाए जो कि अखंड अनवरत जलता रहे। गुरुदेव जी ने यही पर जोर डाला कि हम सब एक ऐसा मिसाल खड़ा करें, एक ऐसा दीप जलाए, प्रेम का स्तंभ बनाएं, आपस में एकता का स्तंभ बनाएं। हर घर, हर परिवार, हर समाज में वह दीप की जरूरत है। बाहरी दीप से घर प्रकाशित होता है, आंगन प्रकाशित होता है, लेकिन यदि आपने ज्ञान का दीप नहीं जलाया, प्रेम का दीप नहीं जलाया, तो सारा दीप जलाना बेकार चला जाएगा। बाहरी दीप से प्रकाश तो मिलेगा, लेकिन यदि अंदर अंधकार है तो बाहरी दीप से प्रकाश मिलती हुई भी हम अंधकार में रहेंगे। इस प्रकार हमारे कबीर पार्क संस्थान में गुरुदेव जी के प्रसाद वितरण के साथ यह प्रोग्राम कबीर पार्क संस्थान का यहीं पर खत्म होता है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।